आपने सुना है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और यहाँ मृत्यु के बाद ना मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता वो प्रेत योनि में भटकती है। फिलहाल पितृपक्ष चल रहा है और हम आपको इसी से जुड़ी एक खास कहानी सुनाने वाले हैं। दरअसल काशी की एक जगह है जहाँ देश भर से श्रद्धालु आते हैं, पिशाच मोचन कुंड। यहाँ भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाई जाती है। काशी को मोक्ष की नगरी बोली गई है, तो जो काशी में मरते हैं उनको तो मोक्ष यहाँ मिल जाता है, लेकिन जो काशी के बाहर मरते हैं उनको मोक्ष कैसे मिले? तो उनके लिए यहाँ पे पिशाच मोचन कुंड पर पितृदोष या ब्रह्म दोष की मुक्ति के लिए यहाँ श्राद्ध करने से उनको मुक्ति मिलती है। जो कहा जाता है कि काश्याम मरल्याम मुक्त्याम, मरने को देश है तरने को काशी, तो यहाँ मरने के बाद भी मुक्ति करने के लिए लोग आते हैं पिशाच मोचन मंदिर पर। उनको त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम द्वारा उनको मुक्ति दिलाया जाता है कि प्रेत योनि से वो निकलकर पितर बने, हमारी रक्षा करें। माना जाता है कि इस कुंड के जल से पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कहा जाता है कि ये जल काशी में गंगा के आने से पहले का है। ये महत्व है कि 15 दिन पितृपक्ष जो लगता है ये अपने पितरों के लिए है। हमारे पितर जो मर गए हैं उनकी मुक्ति, उनको भोजन पानी जल वस्त्र दान करने का समय आ गया है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में ये भी दिखा गया कि जीने के साथ साथ मरने वालों को भी हम लोग पूछते रहते हैं, देवता मानते हैं, तो पितर हमारे सबसे बड़े देवता पितर हैं। तो ये 15 दिन के पितृपक्ष में हम उनको देवता की तरह पूजा भोजन लगाते, भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, जल देते हैं, पिंडदान देते हैं, क्योंकि पितरों का भोजन जल तर्पण जल होगा, पिंड उनका भोजन होगा। पिशाच मोचन तीर्थ के पुरोहित नीरज कुमार पांडे बताते हैं कि अकाल मृत्यु के शिकार लोगों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का अनुष्ठान कराया जाता है। इस अनुष्ठान से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में केवल इसी जगह पर भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलाया जा सकता है? जैसे कि हमारे वंश में, हमारे गोत्र में बहुत से ऐसी आत्माएं हैं जो अकाल मृत्यु हो जाती है, जो हमने सुना है नहीं सुना है, देखा नहीं देखा है, लेकिन वही आत्माएं जब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती है तो वो प्रेत आत्माएं और वो मतलब प्रेत बनती चली जाती है, वो और ताकत बनती है, वो धीरे धीरे परेशान करना, आर्थिक सामाजिक मानसिक हर तरीके से प्रताड़ित करना चालू करती है। तो उनकी मुक्ति के लिए पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण मणि श्राद्ध कराकर उनको पितृ बनाया जाता है, देवता बनाया जाता है कि वो हमको आशीर्वाद दे, धन पुत्र लक्ष्मी की बढ़ती। तामसी राजसी और सात्विक आत्मा, यहाँ तीनों की शांति के लिए खास पूजा की जाती है। इसके लिए तीन कलश पर रंग बिरंगे कपड़े और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के बाद नारायण बलि दी जाती है। माना जाता है कि इससे भटकती आत्माएं प्रेत योनि से मुक्त हो जाती हैं। जो पुराना वृक्ष है इसमें जो कील गाड़े जाते हैं, जो हमारे यहाँ अकाल मृत्यु जैसे सबसे गलत जो मौत होती है वो आगे का जला और रेल जो कट की बॉडी मरी जिसके मतलब छत बिछत डेड बॉडी हो जाती है, उसके लिए ये श्राद्ध बहुत जरूरी होता है। तो उस श्राद्ध करने के बाद हमने उनको प्रेत से निकाल के पितृ बना लिया, तो जो प्रेत का नाम का किला होता है वो पेड़ पे गाड़ दिया जाता है कि आज से ये प्रेत से मुक्ति हो गए, ये प्रेत यही वास करेगा, पितर हमारे साथ घर जाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि वाल्मीकि ने पिशाच की मुक्ति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया था। उसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति दी थी। अगर आप भी अपने पितरों की भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो पितृपक्ष में काशी के स्थान पर आने का प्लान जरूर बना ले। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।